नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस व्लॉग। दोस्तों अभी मैं यहाँ सीबीडी बेलापुर स्टेशन के सामने हूँ। आप देख सकते हैं सामने सीबीडी बेलापुर स्टेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो वाशी या फिर आगे उरण जेएनपीटी के लिए भी जा सकते हैं। आज मैं यहाँ से तलोजा के लिए जा रहा हूँ, वो भी एक शॉर्टकट है, खारघर से होके जा रहा हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं, अगर आप सीबीडी बेलापुर से आपको तलोजा फेज़ 1 के लिए या फिर आगे कल्याण के लिए या फिर अंबरनाथ बदलापुर के लिए जाना है तो कैसे जा सकते हैं। हम लोग हाईवे से होके नहीं जा रहे, हम लोग खारघर से जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, सीबीडी बेलापुर से तलोजा तक। साथ में रास्ते में जो भी और भी इन्फॉर्मेशन कुछ होगी वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा। ये अभी हम लोग जा रहे हैं कोंकण भवन की तरफ, हाईवे की तरफ। ये देखिए मेट्रो स्टेशन सीबीडी बेलापुर का, यहाँ इसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। अभी तक मेट्रो शुरू नहीं हुई यहाँ पे, स्टेशन या स्टेशन का काम चल रहा है। बहुत जल्दी सीबीडी बेलापुर से तलोजा के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में कोंकण भवन का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे से सिग्नल से जैसे ही हम लोग राइट लेते हैं, हम लोग थाने बेलापुर हाईवे के लिए जाएंगे। लेकिन हम लोग तलोजा के लिए थाने बेलापुर हाईवे से नहीं जा रहे दोस्तों, हम लोग खारघर से होके जा रहे हैं। हाईवे से अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी जगह पे ट्रैफिक के लिए रुकना पड़ता है, या फिर खारघर का टोलना का हो, या फिर कलमबोली का ट्रैफिक हो, फिर तलोजा का ट्रैफिक हो, आपको काफ़ी टाइम लगता है यहाँ से तलोजा जाने के लिए। लेकिन आप अगर खारघर से जाते हैं अंदर के रास्ते से तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं और बिल्कुल ट्रैफिक नहीं लगता है। ये देखिए हम लोग अभी सिग्नल से राइट लेके ये हाईवे की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए हम लोग अभी सिग्नल पे पहुंच चुके हैं। ये हाईवे है थाने बेलापुर हाईवे, जो पनवेल से होके थाने ऐरोली तक जाता है। यहाँ से आप राइट में जाएंगे तो ये पनवेल कलमबोली की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट में आप ऐरोली थाने के लिए जा सकते हैं, वाशी के लिए या फिर मुंबई के लिए। तो हम लोग अभी हाईवे से नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं खारघर की तरफ, और खारघर से होके हम तलोजा के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए सीधा चल के देखते हैं सीबीडी बेलापुर से। ये जैसे ही हम लोग ये फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, हाईवे क्रॉस करते हैं, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में सीबीडी बेलापुर का ये एनएमएमटी का डेपो है। यहाँ से आपको एनएमएमटी बसेस मिलेगी नवी मुंबई में या फिर नवी मुंबई से बाहर जाने के लिए। अभी यहाँ से आप सर्कल से राइट लेके खारघर की तरफ जाना है। ये देखिए हम लोग खारघर की तरफ जा रहे हैं अभी। ये हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं उसी रूट से मेट्रो का ट्रैक भी गया है, मतलब मेट्रो भी जो सीबीडी से तलोजा तक गया है ट्रैक, वो इसी रूट से गया है खारघर से होके। तो हम लोग भी मेट्रो के लाइन के नीचे से ही जा रहे हैं अभी। देखिए आप सामने देख सकते हैं जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है वो सीबीडी बेलापुर, जो मेट्रो स्टेशन हमको आगे लगा था वहाँ से, ये मेट्रो का लाइन वहाँ से आते हुए अभी खारघर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग भी अभी इसके नीचे से ही आगे जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट लेके। ये देखिए ये मेट्रो लाइन है, बहुत ही जल्दी मेट्रो शुरू होगी यहाँ से बेलापुर से तलोजा के लिए। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है दोस्तों, बहुत ही मतलब यहाँ ट्रैफिक जरा भी नहीं रहती है। खारघर से सीधा आप बिना ट्रैफिक के एकदम आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं तलोजा तक। अगर ऐसे ही आप हाईवे के लिए जाएंगे तो हाईवे में कहीं पे भी आपको ट्रैफिक लग सकती है। खारघर के आगे जो टोल नाका है वहाँ पे भी ब्रिज का काम चल रहा है खाड़ी के ऊपर, वहाँ भी हमेशा ट्रैफिक होती है। फिर आगे आप कलमबोली बाईपास के लिए जाएंगे, वहाँ भी कलमबोली का जो फूड लैंड का सिग्नल है वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक होती है, काफ़ी समय लगता है वहाँ पर।
सिर्फ फूडलैंड का सिग्नल का भी समय काउंट करेंगे तो भी हम लोग सीबीडी बेलापुर से तलोजा तक उसी टाइम में पहुंच सकते हैं, इतना वहाँ टाइम लगता है सिग्नल में। अगर आप MGM सर्कल से होके जाएंगे कलमबोली से तो भी वहाँ पे भी ट्रैफिक लगता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ज़रा भी ट्रैफिक नहीं, एकदम बिल्कुल आराम से आप ड्राइव करके तलोजा के लिए जा सकते हैं खारघर से। यहाँ आगे सीबीडी बेलापुर का फेमस भारतीय विद्यापीठ कॉलेज भी है, IT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ये देखिए दूसरा मेट्रो स्टेशन यहाँ पे लगा है, ये मेट्रो स्टेशन वही कॉलेज के लिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से आप आगे खारघर रेलवे स्टेशन के लिए भी जा सकते हैं, शॉर्टकट है। अगर आप हाईवे से जाएंगे तो आपको आगे सिग्नल से फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट खारघर रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं। ये देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कॉलेज दिखाई देगा, और यहाँ से आप अगर सीधा जाएंगे तो आगे अंडर पास है राइट साइड में, वहाँ से आप डायरेक्ट खारघर रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं। हम लोग अभी यहाँ से लेफ्ट में जा रहे हैं तलोजा के लिए। ये देखिए हम लोग सीधा मेट्रो लाइन के नीचे से ही जा रहे हैं। ये अभी हम लोग खारघर में आ चुके हैं, ये राइट साइड में आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे ऑटो स्पेयर पार्ट्स का शॉप, और यहाँ पे पूरा गैरेजेस का यहाँ पे पूरा लाइन है। ये रास्ता सीधा जा रहा है टाटा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ। ये देखिए और एक यहाँ मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग जाएंगे उत्सव चौक के चौक से होते हुए हम लोग अभी तलोजा की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे से हम लोग जा रहे हैं। अभी सभी स्टेशनों का काम यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है, बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको तलोजा से सीबीडी बेलापुर के लिए मेट्रो शुरू हुई दिखाई देगी। ये देखिए सामने उत्सव चौक दिखाई दे रहा है, बहुत ही फेमस है खारघर का, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसको। यहाँ से आप अगर राइट लेते हैं सर्कल से तो आप खारघर स्टेशन के लिए या फिर से थाने बेलापुर हाईवे के लिए जा सकते हैं, जहाँ से आप आगे पनवेल कलमबोली के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं तलोजा के लिए। ये देखिए उत्सव चौक खारघर का बहुत ही फेमस है। आज की वीडियो में हम लोग सीबीडी बेलापुर से तलोजा के लिए जा रहे हैं खारघर से अंदर के रास्ते से। ये देखिए आप देख सकते हैं ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आराम से आप जा सकते हैं, और टाइम भी बहुत कम लगता है। मतलब अगर आपको कहीं पाम बीच से अगर आप आ रहे हैं थाने ऐरोली से वाशी से, और अगर आपको कल्याण जाना है या फिर आपको तलोजा होके अम्बरनाथ बदलापुर के लिए जाना है तो आप इस रास्ते का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगा, आराम से आप डायरेक्ट तलोजा के आगे निकल सकते हैं। तलोजा फेज़ वन में भी आप जा सकते हैं यहाँ से, फेज़ वन फेज़ टू में, या फिर आगे चिलपाटा से होके कल्याण उल्लासनगर के लिए जा सकते हैं। ये हम लोग अभी खारघर से होते हुए सीधा जा रहे हैं तलोजा की तरफ। आइए चलते हैं। ये हम लोग अभी खारघर सेक्टर 20 से होते हुए आगे जा रहे हैं। आगे यहाँ पे अभी बहुत ही खूबसूरत नया इस्कॉन टेम्पल बनाया गया है, सेंट्रल पार्क भी खारघर का यहीं पे है, और गोल्फ़ कोर्स भी खारघर का है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दो तीन और भी बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है खारघर के, फेमस है बहुत ही। आप कभी भी यहाँ पर विज़िट के लिए आ सकते हैं छुट्टियों में, इस्कॉन टेम्पल, सेंट्रल पार्क, या फिर खारघर का जो गोल्फ़ कोर्स है वो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। सेंट्रल पार्क तो बहुत ही बड़ा है,
इसके बारे में अलग से मैं एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा सेंट्रल पार्क के लिए। आप चाहे तो गूगल पे जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। खारघर सेंट्रल पार्क बहुत ही बड़ा गार्डन बनाया गया है। खारघर सिटी बहुत ही अभी यहाँ डेवलप हो चुकी है। पहले 10-12 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। सेक्टर 20 के आगे, सेक्टर 20 से ही आपको यहाँ से तलोजा गांव दिखाई देता था पहले। अभी खारघर सिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। मेट्रो के आने के बाद तो बहुत ही और भी ज़्यादा डेवलप होगी। ये अभी हम लोग सीधा टाटा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है कैंसर का, टाटा का। बहुत ही दूर दूर से यहाँ पेशेंट आते हैं। दोस्तों, नवी मुंबई से रिलेटेड मैं ऐसे ही वीडियोस, अलग अलग रूट्स की अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें आपके दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नवी मुंबई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल नवी मुंबई GS व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, आप देख सकते हैं राइट साइड में इस्कॉन टेम्पल है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल बनाया गया है। आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। अभी हम लोग सेंट्रल पार्क से होते हुए गुजर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में सेंट्रल पार्क, सॉरी राइट साइड में सेंट्रल पार्क है, लेफ्ट साइड में गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे, यहाँ आगे बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा भी आपको मिलेगा, बहुत ही फेमस है यहाँ पे खारघर का गुरुद्वारा। ये देखिए, लेफ्ट साइड में गोल्फ कोर्स यहाँ पे है। ये देखिए, जैसे हम लोग गोल्फ कोर्स के आगे आते हैं, ये लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा दिखाई देता है। बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पे खारघर में। और पीछे आपको रेड कलर में दिखेगा टाटा कैंसर हॉस्पिटल, रेड कलर का बिल्डिंग है। ये देखिए, सामने लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है टाटा का कैंसर हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पे। दोस्तों, आप वीडियो में टाइम भी देख सकते हैं। हम लोग जैसे ही CBD बेलापुर से निकले, मैंने कभी वीडियो स्टॉप नहीं किया बीच में या एडिट भी नहीं किया है। हम लोग सिर्फ 13 मिनट में हम लोग CBD बेलापुर स्टेशन से यहाँ कैंसर हॉस्पिटल तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से सिर्फ आप 4 या 5 मिनट में आप तलोजा तक जा सकते हैं। मतलब CBD बेलापुर से आप तलोजा के लिए, या फिर तलोजा के सामने जो हाईवे है पनवेल कल्याण फाटा शिलफाटा हाईवे, उसके लिए आप सिर्फ 17 या 18 मिनट में जा सकते हैं बिना ट्रैफिक के। आपने वीडियो में देखा भी होगा, ट्रैफिक ज़रा भी नहीं लगा हमको यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ से आगे आप सीधा तलोजा के लिए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी टाटा कैंसर हॉस्पिटल के आगे आ चुके हैं। आगे अभी आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे तलोजा जेल दिखाई देगी। ये तलोजा जेल भी फेमस है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि हमारे देश की सारी जेल खाली हो जाए, हमारे देश में कोई भी क्राइम ना हो। ये देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे तलोजा जेल आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से बस थोड़ी दूरी पे आपको
ये देखिए तलोजा जेल का गेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ से थोड़ी दूरी पे तलोजा फेज़ वन के लिए आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा तलोजा जेल से थोड़ा आगे आते ही आपको फिर से मेट्रो का ट्रैक दिखाई देगा, जो आगे सेक्टर 12 से होते हुए सेक्टर 20 से गुज़रते हुए यहाँ पे वापस हमको मिलता है। ये देखिए सामने फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, वही मेट्रो का ट्रैक है, वो भी तलोजा की तरफ ही जा रहा है। ये देखिए ये सेक्टर 20 से होते हुए यहाँ से अभी आ रहा है, हमको भी अभी इसके साथ में ही आगे जाना है तलोजा के लिए। ये और एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आगे से आप लेफ्ट लेके तलोजा के लिए जा सकते हैं। आप टाइम देख सकते हैं, हम लोग सीबीडी बेलापुर से निकले सिर्फ 16 मिनट में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। थोड़ा भी ट्रैफिक नहीं लगा हमें, थोड़े एक भी जगह हमको रुकना नहीं पड़ा। ये देखिए सामने मेट्रो ट्रैक तलोजा फेज़ वन में जा रहा है। ये सामने हाईवे जो है वो पनवेल कलम्बुल से होते हुए जो शिल्फाटा के लिए जाता है, कल्याण के लिए, या फिर मुम्बरा से होते हुए थाना के लिए जो रास्ता जाता है वही वो हाईवे है। ये सामने तलोजा फेज़ वन दिखाई दे रहा है। हम लोग सिर्फ 18 मिनट में सीबीडी बेलापुर से तलोजा फेज़ वन तक पहुंच चुके हैं। ये हाईवे से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप आगे शिल्पाटा से कल्याण या फिर आगे थाना या फिर नासिक के लिए जा सकते हैं, थाने नासिक हाईवे से। और राइट में आप कलम्बोली पनवेल या फिर पूना या गोवा के लिए जा सकते हैं। ये देखिए सामने सिग्नल है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नवी मुंबई जीएस व्लॉग को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।